हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैं डॉक्टर मीनू आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन तो चलिए देखते हैं इसके विषय में द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स आर हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन है उसके बारे में पढ़ा था और उसमें थोड़ा सा ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ क्रोमेटिन तो आज उसी केमिकल कंपोजिशन को हम लोग बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे और इसमें स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स होते हैं उसके हिस्टोन्स हैं नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन और उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोन्स प्रोटीन्स के विषय में हम लोग पढ़ेंगे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो क्रोमेटीन हो फाइबर्स होते हैं वो हिस्टोन नॉन हिस्टोन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए होते हैं अब चलिए बात करते हैं स्पेसिफिक हिस्टोन्स प्रोटीन के विषय में द हिस्टोन्स आर द मोस्ट बेसिक प्रोटीन्स इन क्रोमेटीन ये बहुत ही बेसिक नेचर के होते हैं क्रोमेटीन में एंड अकाउंट फॉर जस्ट अबाउट द सेम मास ऑफ ए और इनके अगर मास की बात की जाए तो जितना अमाउंट ऑफ मासस डीएनए का होता है उतने उतने ही अमाउंट में प्रोटीन्स भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं एल्ब्रस्ट कोसिल डिस्कवर्ड हिस्टोन्स हिस्टोन्स की डिस्कवरी हुई थी एल्बर्स्ट कोसिल ने किया था 1884 में और इसे हिस्टोन नाम जो था ये जो हिस्टोन वर्ड आया है या ऐसा माना जाता है या तो ये जर्मन लेटर हिस्टोन से आया है और या फिर ये ग्रीक लेटर से आया है ज, और ग्रीक लेटर से किस वर्ड से हिस्टैनी और हिस्टोस वर्ड से तो ये दोनों ही हम लोग इसका जो हिस्टोन वर्ड है इसके ओरिजिन हम लोग जर्मन या फिर ग्रीक दोनों ही मान सकते हैं ड्यूरिंग नाइनटीन नाइन्टीज़ द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ हिस्टोन्स वेर डिस्कवर्ड और 1990 के दशक में जो हिस्टोन्स की जो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं मतलब जो क्रोम, क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर फोल्डिंग में जो हिस्टोन्स का जो रोल है उसके रेगुलेशन के विषय में पता चला था फाइव क्लासेस वे आर ओरिजिनली कैरेक्टराइज बाय द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ बेसिक एमिनो एसिड्स एज एक्सप्रेस इन लाइसिन एंड आर्जिन रेशियो अब जो बेसिक हम लोगों ने फाइव टाइप के हिस्टोन्स के विषय में देखा था जब क्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा था उसमें तो वो जो पांचों तरीके के हिस्टोन्स थे वो सभी हिस्टोन्स उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है और उन, उन्हें उन्हें एक्सप्रेस किया जाता है लार्जी लाइसिन और आर्जेन के रेशियो के फॉर्म में <coughs> तो उसमें से कुछ जो हिस्टोन्स होते हैं वो लाइसिन रिच होते हैं और कुछ आर्जेन रिच होते हैं द हिस्ट्रस ऑफ फोर क्लासेस इंट्रैक्ट डायरेक्टली विद डी टू फॉर्म फर्स्ट लेवल ऑफ पार्टिकल दैट इज न्यूक्लियर और पहला हिस्टोन्स के मॉडिफिकेशंस के विषय के बाद में जो पहला फर्स्ट लेवल ऑफ फोल्डिंग जिसे हम लोग कहते हैं जिसे फर्स्ट लेवल ऑफ़ पार्टिकल फोल्डिंग्स दैट इज़ न्यूक्लियोजोम जो मॉडल है उसके वो होता है दे हैव एन एप्रिशिएटिंग कंटेंट ऑफ एसिडिक एमिनो एसिड्स एज वेल एज बेसिक एमिनो एसिड्स सो दीज प्रोटीन्स आर हाईली चार्ज्ड और हमने ये भी देखा कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो एसिडिक कुछ हिस्टोन्स एसिडिक नेचर के हैं कुछ हिस्टोन्स जो हैं वो बेसिक नेचर के हैं और जिसकी वजह से ये बहुत ही हाईली चार्ज इन पे हाई चार्ज होता है द फिफ्थ क्लास ऑफ हिस्टोन इज़ एच वन स्टेबलाइजेज द डी एन ए एंड हेल्प्स टू बाइंडिंग डी एन ए टू द कोर पार्टिकल्स अब जो कोर पार्टिकल्स हैं हम लोग जानते हैं कि पाँच हिस्टोन्स में जो एच वन वो कोर पार्टिकल का पार्ट नहीं होता है वो लिंकर डीएनए और रैप्ड डीएनए को बाइंड अप करने का, का काम करता है बाकी जो चार हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं वे सभी कोर प्रोटीन्स का हिस्सा होते हैं एंड हेल्प्स टू फॉर्म सोलेनाइड मॉडल ऑफ थर्टी नैनोमीटर फाइबर ऑफ क्रोमेटीन और एच वन जो प्रोटीन है एच वन जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बाइंड uh, करने के बाद में उसमें जब फास्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है तो जिसकी वजह से उसमें और भी ट्विस्ट एंड फोल्डिंग्स होते हैं जिसकी वजह से सोलेनॉइड मॉडल जो है वो बनता है क्रोमेटीन का जिसे हम लोग थर्टी नैनोमीटर फाइबर भी कहते हैं अब चलिए बात करते हैं स्पेसिफिक डिटेल में सभी हिस्टोन्स प्रोटीन के विषय में तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो हिस्टोन्स हैं उन्हें दो डिफरेंट टाइप्स में बांटा जा सकता है आर्जिनिन और लाइसिन के रेशियो पे और इस दो ग्रुप्स के जो टू ग्रुप्स हैं यानी दो ग्रुप के अंदर में पहला जो है वो है आर्जिनिन रिच हिस्टोन्स और दूसरा जो है वो है लाइसिन रिच हिस्टोन्स मतलब आर्जिनिन रिच एंड लाइसिन रिच अब बात की जाए अगर आर्जिनिन रिच हिस्टोन्स की तो द आर्जिनिन रिच हिस्टोन्स आर ऑफ टू स्पीशीज uh, इसमें आर्जेनिन uh, रिच हिस्टोन्स दो तरीके के होते हैं एच थ्री एंड एच फोर अब जो कोर हिस्टोन्स है ये हमने देखा यहाँ मैंने कोर हिस्टोन्स के विषय में दि, uh, दिखाया है यहाँ पर और इसमें से भी एच थ्री एच थ्री जो हिस्टोन्स हैं दैट इज एच थ्री स्टोन्स और एच फोर हिस्टोन्स ये जो दोनों हैं कोर हिस्टोन्स ये आर्जिन रिच हिस्टोन्स है मतलब इसमें जो पूरा जो प्रोटीन है इसके अंदर में आर्जिनिन रेसिड्यूज ज़्यादा होंगे दीज आर अमोंग द मोस्ट कंसर्न प्रोटीन्स नोन इन द इवोल्यूशन और ये बहुत ही सबसे प्रीमिटिव टाइप के प्रोटीन्स हैं मतलब ये फर्स्ट पाएगी इवोल्यूशनरी स्टडीज़ में ये फर्स्ट फॉर्म्ड जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये हैं दैट इज़ एच थ्री एंड एच फोर इसके बाद बात की जाए लाइसिन रिच हिस्टोन्स की तो लाइच लाइसिन रिच हिस्टोन्स को हम लोग अगेन टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं पहला स्लाइटली लाइसिन रिच हिस्टोन्स और एक है वेरी लाइसिन रिच हिस्टोन्स अब अगर कोर हिस्टोन्स की हम लोग बात करें तो वो दोनों जो बचे हुए H3 H4 के बाद जो बचे हुए कोर हिस्टोन्स हैं दैट इज़ एच टू बी एंड एच टू ए ये जो टू टाइप्स के हिस्टोन्स हैं ये सभी स्लाइटली लाइसिन रिच हिस्टोन्स के अंदर आते हैं एच टू एंड एच टू बी और जो वेरी लाइसिन रिच हिस्टोन्स की बात करें तो इसमें एच वन जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है वो आता है कंसिस्ट ऑफ सेवरल क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन्स विच ओवरलैपिंग एम्यूनासिड सिक्वेंसेस तो अब बात की जाए आर्जिन uh, रिच की तो आर्जिन रिच में आ जाएगा एच थ्री एच फोर लाइसिन रिच में दो तरीके के होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लाइसिन होगा और जिसमें थोड़ा ज़्यादा लाइसिन होगा स्लाइटली रिच हिस्टोन्स जो है लाइसिन रिच हिस्टोन्स में एच टू एंड एच टू बी आएगा जो कि कोर हिस्टोन्स का पार्ट है और एच वन जो कि वेरी लाइसिन रिच हिस्टोन है वो आ जाएगा जो आउटर मोस्ट पेरिफेरल रीजन में जो हिस्टोन प्रोटीन होता है जो कि बाइंडिंग का काम करता है यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ रैप्ड डीएनए के बाइंडिंग का यहाँ काम कर रहा है ये है दट इज हिस्टोन प्रोटीन ये आता है वेरी लाइस एंड रिच हिस्टोन्स प्रोटीन्स के कैटेगरी में अब चलिए बात करते हैं ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फोल्डिंग ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स जैसा कि हमने जब क्रोमेटिन फाइबर्स की स्टडी की थी उसके स्ट्रक्चर की तो हमने ये देखा था कि जो H1 वन प्रोटीन है यानी H1 वन हिस्टोन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अलावा जब स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन्स में हम लोग देखते हैं तो सारे हिस्टोन्स में चूँकि ये प्रोटीन है तो इसमें एक एन टर्मिनल होता है एक सी टर्मिनल होता है और इसके अलावा इन प्रोटीनस में से कुछ टेल्स मतलब कुछ ना प्रोजेक्टिंग पार्ट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोटीन टेल्स यहाँ हम लोग डायग्राम में डिफरेंट प्रोटीन्स के मतलब सभी हिस्टोन्स प्रोटीन्स के कुछ टेल्स को हम लोग देख सकते हैं और इन टेल्स के ऊपर और लाइसिन और आर्जिनिन रिच टेल्स ये होते हैं किसी में लाइसिन होता है किसी में आर्जिनिन ज़्यादा होता है यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया है सभी अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स हैं और इन टेल्स के ऊपर में कुछ फंक्शनल ग्रुप आकर करके जुड़ते हैं और जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन होता है और क्रोमेटिन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कन्फर्मेशन को हम लोग देखते हैं मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जो स्ट्रक्चर ऑफ फोल्डिंग्स होता है क्रोमेटिन का जैसे न्यूक्लियोजोम उसके अलावा सोलिनोइड थर्टीन नैनोमीटर जो फोल्डिंग uh, uh, क्रोमेटीन होता है उसके अलावा और जो फोल्डिंग uh, होगा उसमें डिफरेंट चेंजेस और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टोन्स के मॉडिफिकेशंस तो अब हम लोग बात करेंगे कि, कि किस किस टाइप के मॉडिफिकेशंस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर में होते हैं जिसकी वजह से क्या चेंजेस होता है और क्या फोल्डिंग होता है उसमें क्रोमेटीन में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिटरमाइन करता है कि जो क्रोमोजोम या क्रोमेटीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा और ये चूंकि डेटर माइनिंग होता है क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर के लिए या क्रोमेटीन के जो फोल्डिंग के लिए इसलिए इसे कहा जाता है हिस्टोन कोड तो चलिए बात करते हैं द हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियोजोम हम लोग जब न्यूक्लियोजोम मॉडल पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो हिस्टोन्स हैं वो कोर का भी काम करते हैं कोर पार्टिकल्स जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हम लोग बीड्स कहते हैं बीट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टामर और उसके अराउंड जो डीएनए है वो रैप्ड होता है जिसकी वजह से बीडो स्ट्रिंग मॉडल का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज न्यूक्लियोजोम अब न्यूक्लियोजोम में हमने देखा कि उसमें जो कोर पार्टिकल्स प्रेजेंट है कोर हिस्टोन्स प्रेजेंट है उसमें वेराइटी ऑफ मॉडिफिकेशन होता है टू ब्रिंग अबाउट द डी कंडेशन ऑफ क्रोमेटिन टू अलाउ द एसे रेप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी टू नेकेड डीएनए अब अगर इन हिस्टोन्स में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर नहीं होगा जिसकी वजह से जो डीएनए है वो एक्सपोज नहीं हो पाएगा फॉर रेप्लीकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी और नेकेड डीएनए फॉर्म नहीं हो पाएगा जब तक नेकेड डीएनए फॉर्म नहीं हो पाएगा तो डीएनए एन रेप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो उससे अटैच बाइंड नहीं हो पाएंगे इसलिए हिस्टोन का मॉडिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सभी रेगुलेट करता है उसके बाइंडिंग को और प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांस रेप्लीकेशन ये सभी डी से जो रिलेटेड डिफरेंट प्रोसेस है उसे और इसीलिए इसे हिस्टोन कोड कहा जाता है तो अगर कुछ हम लोग मॉडिफिकेशन की बात करें तो उसमें हम लोग स्पेशली हम लोग बात करेंगे यूबिक्विटिनाइजेशन की उसके बाद एसिटाइलेशन की मिथाइलेशन की एंड फॉस्फोराइलेशन की इतने सभी जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूबिक्विटिनाइजेशन की वॉट इज़ यूबिक्विटिनाइजेशन ऑफ हिस्टोन्स और यूबिक्विटिनाइजेशन किसका होता है किस रेसिड्यू पे होता है और उससे क्या चेंजेस आते हैं यूबिक्विटिन एक प्रोटीन होता है यूबिक्विटिन भी अपने आप में एक प्रोटीन होता है जो कि टैग्ड प्रोटीन होता है जिसका काम होता है टैगिंग करना तो टैगिंग किस पे करेगा जिस भी अदर प्रोटीन पे ये टैग करेगा यूबिक्विटिन का टैग लगेगा उस पर्टिकुलर प्रोटीन का जिस पर भी टैग लगा है वो डिग्रेड हो जाएगा वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी है और यूबिक्विटिनेशन होने से अब ये डिटरमाइन हो गया है कि वो प्रोटीन जिस पर यूबिक्विटिन का टैग लगा उसे ट्वेंटी सिक्स एस जो डिग्रेडेशन मॉडल है उससे इसे डिग्रेड हो जाना है यानी उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन यानी वो ख़त्म हो जाएगा और अब बात करते हैं कि, कि किस प्रोटीन का यूबिक्विटिनाइजेशन होता है किस हिस्टोन्स का यूबिक्विटिनाइजेशन होगा और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा द प्रोटीन यूबिक्विटीन विच इज़ यूबिक्विटस यानी डिग्रेडेड इन नेचर विच प्रजेंस इन ऑल लिविंग सेल्स गेट्स एसोसिएटेड विथ एच टू ए इन द फॉर्म ऑफ यू एच टू ए अब यूबिक्विटीन जो है उसका टैग कहाँ लगेगा एच टू ए पर लगेगा टैग लगने का मतलब यूवीक्विटीन जो प्रोटीन है जो कि डिग्रेडेड नेचर का है मतलब जहाँ भी जुड़ेगा उसको डिग्रेड जिस प्रोटीन पर वो लगेगा बाइंड करेगा उसको डिग्रेड करा देगा तो वो कहाँ बाइंड होगा वो होगा एच टू ए पर बाइंड और एच टू ए पे बाइंड होने के बाद में कंबाइंड फॉर्म में उस प्रोटीन को हम लोग कहेंगे उस हिस्टोन प्रोटीन को हम लोग कहेंगे यू एच टू ए और ये जो है टेन टू थर्टी परसेंट न्यूक्लियोजोम्स में जो एच टू ए मौजूद रहता है उसे ये डिग्रेड कराता है इसी प्रोसेस से यूबिक्विटी से यूजवली ओनली वन ऑफ द टू एच टू ए मॉलिक्यूल्स ऑफ द न्यूक्लियोजोम इज यूविक्विटिनेटेड और ऐसा देखा गया है कि जो एच टू ए के जो दो मॉलिक्यूल प्रजेंट होते हैं ऑक्टाम्बर में उसमें से सिर्फ एक का ही यूविक्विटिनेशन होता है देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ यू एच टू ए टू बी कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्रोम्स ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड सिक्वेंसेज और ये यूविक्विटिनेशन क्यों ज़रूरी है क्योंकि जब तक ये यूबिक्विटिनेशन नहीं होगा तब तक डीएनए जो है वो अनरैप्ड नहीं होगा और अगर अनरैप्ड नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो बाइंड नहीं कर पाएंगे तो ये ये जो यूबिक्विटिन का प्रोसेस है यूबिक्विटिनेशन का प्रोसेस है ये डी को अनरैप्ड करने में हेल्प करता है जिसकी वजह से आकर के उसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो बाइंड करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को प्रमोट करते हैं और ये किस तरीके से प्रूफ हुआ है क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर भी ये यूबिक्विटिनेशन का प्रोसेस हुआ है वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के ट्रांसक्राइब सीक्वेंसेस मिले हैं बहुत सारे तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो यूबिक्विटिनेशन का जो प्रोसेस है ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसिटाइलेशन की अब एसिटाइलेशन क्या प्रोसेस है एसिटाइलेशन में किसी भी प्रोटीन के रेसिड्यूज पे उस पर एसिटाइल ग्रुप का एडिशन होता है विद द एंजाइम एसिटाइल ट्रांसफरेज एसिटाइल ट्रांसफरेज नाम के एंजाइम्स के प्रेजेंस में उसके हेल्प से एसिटाइल ग्रुप आकर कर कर करके जुड़ता है हिस्टोन प्रोटीन्स पे अब देखिए हम लोग चलिए हम लोग बात करते हैं कि किस हिस्टोन्स पे वो जुड़ता है और कौन से रेसिड्यू पे जुड़ेगा एसिटाइलेशन आकर ऑन द फ्री अमीनो ग्रुप of lysine residues which leads to decondensation of chromatin fibers ab acetylation matlab मतलब acetyl group jis bhi histone protein pe judega to ye kya karega isme kya conformation changes lekar ke aayega nucleosome mein ये chromatin का decondensation करवाएगा मतलब उसका जो fiber है उसे और loose करेगा decondense करेगा loose करेगा ताकि वो जो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है या और जो डी एन एमीडिएटेड जो प्रोसेस है वो शुरू हो सके इट्स सर्व्स एज अ लैंडमार्क फॉर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटीन तो एसिटाइलेशन का प्रोसेस भी जो ट्रांसक्रिप्शन और डी एन एर एप्लीकेशन को प्रमोट करता है क्योंकि ये डिकनडेंसेशन ऑफ क्रोमेटीन फाइबर करवाता है हाइपर एसिटाइलेशन ऑल्सो इंक्रीजेस द एसेसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोसोमल डी एन ए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और जब एसीटाइजेशन होगा तो डी एन ए जो है वो रीच में होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के क्योंकि वो डिकन्डेंस होगा लेकिन अगर वो हाईपर एसीटाइजेशन हो गया बहुत ज़्यादा एसीटाइजेशन uh, हो जाएगा तो क्या होगा असेसिबिलिटी ऑफ न्यू ये ऑल्सो इंक्रीजेज द एसेसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोजोमल डी एन एड फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसे एसेस कर पाएगा और अगर टाइलेशन प्रोसेस हो जाएगा तो डी टाइलेशन प्रोसेस मतलब एसिटाइल ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा तो ये फिर से जो है वो कंडेंस फॉर्म में क्रोमेटिन आ जाएगा और इस प्रकार से जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो उसे रीच नहीं कर पाएंगे वो एसेसिबल नहीं होगा फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और इस तरीके से सारे जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा दैस डैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो है वह साइलेंट हो जाएगा यानी इनहिबिट हो जाएगा द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस जैसे कि मैंने कॉमन एंजाइम uh, का नाम बताया कि एसिटाइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम होता है तो एसिटाइल ट्रांसफरेजिज एंजाइम तो होता है और वो अगर हिस्टोन रेसिड्यूस पर एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर ट्रांसफर कराएगा एसिटाइल ट्रांसफरेजिज दैट एंजाइम इज कॉल्ड हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेजिज और जो डी करवाएगा वो डी एसिटाइलेज होगा तो अब हिस्टोन से, से जो डी एसिटाइलेशन करवाएगा दैट इज डी और हिस्टोन में जो एसिटाइलेशन करवाएगा दैट इज हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज ठीक है तो जो एसिटाइल ट्रांसफर करेगा तो एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करवाएगा उसकी वजह से डिकनडेंशेसन होगा डिकनडेंसेसन होने की वजह से जो न्यूक्लियोजोम या क्रोमेटीन है वो खुलेगा खुलने की वजह से डीएनए जो है वो एसेसिबल होगा फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और इस और हाइपर एसीटाइलेशन होगा तो और भी ज़्यादा वो खुलेगा खुलने की वजह से बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो आकर के उसे बाइंड कर पाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंटिन्यू हो पाएगा लेकिन इसका ऑपोजिट प्रोसेस है डीएसीटाइलेशन। अगर डीएसीटाइलेशन हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स है उस जो एसेस नहीं कर पाएंगे डीएनए को और ट्रांसक्रिप्शन साइलेंसिंग करवाएंगे इस प्रकार हमने देखा एसिटाइलेशन का इम्पोर्टेंस और किस किस रेसिड्यूज पर ये मॉडिफिकेशन हुआ सभी हिस्टोन्स के लाइसिन रेसिड्यूल्स पर ये एसिटाइल ग्रुप आकर करके बाइंड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफर एजेंजाइम अब नेक्स्ट प्रोसेस इज मिथाइलेशन तो जैसे हमने देखा एसिटाइलेशन में कि एसिटाइल ग्रुप का एडिशन होता है पर्टिकुलर रेसिड्यूज पे अमाइनो एसिड रेसीड्यूज पे उसी तरीके से मिथाइलेशन के प्रोसेस में एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेजिज अब चूंकि हिस्टोन्स पे ट्रांसफ़र हो रहा है मिथाइल ग्रुप तो जो एंजाइम होगा उसे हम लोग कहेंगे मिथा, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज़ेस तो चलिए देखते हैं किस रेसिड्यूस पे मिथाइलेशन होगा मिथाइलेशन और एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप आल्सो अकर्ड इन फ्री अमीनो ग्रुप्स ऑफ लाइसिन आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन अब जो भी हमारा हिस्टोन प्रोटीन्स है कोर हिस्टोन्स स्पेशली उन कोर हिस्टोन्स के जो फ्री एंड है यानी टेल पे जो टेल रीजन है मैंने पहले ही बता रखा है टेल रीजन पे मिथाइल ग्रुप का अब टेल रीजन में भी कहाँ टेल रीजन तो पूरा प्रोटीन है पेप्टाइड बॉन्ड से वो बना हुआ है अल्फा हेलिकल मॉडल उस आ, प्रोटीन पे लाइसिन आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो अमाइनो एसिड्स रेसिड्यूज हैं उसके ऊपर में वहाँ पर जा कर करके मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा एंड रिमूव्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन अमाइनो ग्रुप्स और इन सभी अमाइनो ग्रुप्स के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है उसे वो रिमूव करेगा और जिसकी वजह से क्या कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे इट लीड्स टू हायर ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर जो क्रोमेटिन फाइबर है उसमें और भी ज़्यादा फोल्डिंग हो जाएगा यानी उसका जो फोल्ड फोल्डिंग है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी अनएसबल हो जाएगा और ये जो क्रोमेटिन का जो फोल्डिंग है वो लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोम्स के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर क्रोमेटिन बहुत ज्यादा कंडेंस होता है हाइपर कंडेंस होगा तो वो क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन कराता है मतलब क्रोमोजोम के फॉर्म में वो कंडेंस हो जाता है अब नेक्स्ट हम तो लोग प्रोसेस दैट इज फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं अब फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस क्या है अगर इससे बेसिक हम लोग बहुत ही बेसिक्स की बात करें तो फॉस्फोराइलेशन मीन्स किसी भी अमाइनो एसिड रेसिड्यू पे फॉस्फेट का एडिशन दैट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन और डी फॉस्राइजेशन का मतलब होता है कि जिस भी रेसिड्यू पे अमाइनो एसिड रेसिड्यू पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है उसे रिमूव करवा देना दैट इज़ डिफॉसफोराइलेशन तो हमने ये देखा कि व्हाट इज़ फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉसफोराइजेशन अब बात की जाए कि ये किस आ, हिस्टोन के किस अमाइनो एसिड पे ये सॉरी किस प्रोटीन पे होगा तो जो फास्फोराइलेशन का जो प्रोसेस होता है ये होता है एच वन प्रोटीन पे जो हिस्टोन वन प्रोटीन है जो कि डीएनए को जो रैप्ड डीएनए उसे आपस में बाइंड करके लिंक करने का काम करता है दैट इज़ एच वन हिस्टोन प्रोटीन उस आ, उस पर जाकर करके फॉस्फोराइलेशन होता है यानी फॉस्फोरेट ग्रुप ऐड होता है और उससे क्या कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं हम लोग वो देखते हैं हिस्टोन्स हैव ऑल्सो बिन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सेल साइकिल और ये फॉसफोराइजेशन का प्रोसेस कब देखा जाता है ड्यूरिंग सेल साइकिल अब सेल साइकिल में क्या स्पेशलिटी है सेल साइकिल की तो हम लोग जानते हैं कि जैसे सेल साइकिल क्या है ये सेल डिवीजन के पहले का पूरा एक सेल डिवीजन के आ, का एक प्रोसेस है जिसे हम जिसमें हम लोग सेल डिवीजन देखते हैं और उसका प्रिपरेशन फेज यानी इंटरफेज देखते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो क्रोमोजोम्स होता है यानी क्रोमेटिन फाइबर्स होता है वो कंडेंस होकर के क्रोमोजोम्स uh, के फॉर्म में वो आता है तो अब फॉस्फोराइजेशन के प्रोसेस में सेल साइकिल में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्रोमेटिन क्रु, जो है वो फोल्ड होगा और क्रोमोजोम के फॉर्म में अपने आप को चेंज कर लेगा कन्फर्मेशनल चेंजेस में कर लेगा वो और ये जो फॉसफोराइजेशन का प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द क्रोमोजोम कंडेंसेशन ड्यूरिंग माइटोसिस अब माइटोसिस के समय में जो क्रोमोजोम का कंडेंसेशन होता है यानी क्रोमोजोम बनने का जो प्रोसेस होता है क्रोमेटीन से के कंडेंसेशन की वजह से वो फॉस्फोराइलेशन की वजह से होता है एंड आर रिमूव आफ्टर द डिवीज़न इज ओवर और जब पूरा डिवीजन सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और जब फिर से क्रोमोजोम से क्रोमेटीन स्ट्रक्चर जब से एक सेल जो है वो अटेन करने लग जाता है तो फिर डी का प्रोसेस हो जाता है ताकि वो डी हो जाए और क्रोमेटिन के फॉर्म में चेंज हो जाए और ये प्रोसेस कब होगा जब माइटोसिस यानी सेल डिवीजन खत्म हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन अकर्स इन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सेराइन एंड हिस्टेडीन अब ये जो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है ये किस अमाइनो एसिड रेसिड्यू पे होगा और उसके किस फंक्शन ग्रुप उसमें क्या प्रोसेस होगा और किस फंक्शन ग्रुप पे होगा तो एच के जो सेराइन और हिस्टिडीन अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जा कर कर करके फॉस्फेट ऐड हो जाता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो जाता है और ये जहां भी फॉस्फेट ऐड होगा फॉस्फेट अपने संग इंट्रोड्यूस करता है नेगेटिव चार्ज क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉस्फेट्स के ऊपर में जो नेगेटिव चार्ज होता है और वो नेगेटिव चार्ज का को इंट्रोड्यूस कर देता है पर्टिकुलर हिस्टोन्स पे इट इंट्रोड्यूज नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट ग्रुप क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप के संग में नेगेटिव चार्ज होता है तो इस तरीके से हमने डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स को देखा और उस मॉडिफिकेशन की वजह से जो क्रोमेटीन का जो कंडेंसेशन और डिकंडेंसेशन होता है हम जानते हैं कि क्रोमेटीन के कंडेंसेशन होने की वजह से क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन होता है और अगर वो डीकंडेंसेशन होगा क्रोमेटीन के कंडेंस होने की वजह से क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन होगा और क्रोमेटीन के डीकंडेंसेशन की वजह से ये फिर सॉरी क्रोमोजोम्स के डीकंडेंसेशन की वजह से क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोजोम क्रोमेटिन कंडेंसेशन फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोम्स और क्रोमोजोम्स डी डीकंडेंसेशन फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटीन फाइबर्स अब क्रोमेटिन से क्रोमोजोम्स का प्रोसेस कंडेंसेसन के संग में ड्यूरिंग सेल डिविजन का जो स्टार्ट फेज है उस समय होगा ड्यूरिंग सेल डिविजन जबकि उसे क्रोमोजोम के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना होगा और जो डीकंडसेशन का जो प्रोसेस है मतलब क्रोमोजोम्स से डी कंडेंस होकर के क्रोमेटीन फाइबर्स का बनने का जो प्रोसेस होगा वो हमेशा क्रोमोजो सेल डिवीजन के ख़त्म होने के समय होता है तो इस तरीके से हमने देखा कि हिस्टोन्स का मॉडिफिकेशन जो है वो क्रोमेटीन के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस और उसके कन्फॉर्मेशनल चेंजेस के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जो इन हिस्टोन्स प्रोटीन को असिस्ट करते हैं और उसे हेल्प करते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस और मॉडिफिकेशन में भी और फैसिलिटेट करते हैं बाइंडिंग ऑफ सर्टेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और डिफरेंट प्रोसेस डी एन इस तरीके से डी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हिस्टोन्स के अलावा और भी दूसरे प्रोटीन्स उसके संग में डीएनए के संग या क्रोमोजोम्स क्रोमोटीन्स के संग में बाइंड अप रहते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स उन सभी प्रोटीन्स को हम लोग अदर देन हिस्टोन्स प्रोटीन इज कॉल्ड नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स और ये मे बी दे आर स्कैफोल्ड प्रोटीन्स वो स्केफोल्ड प्रोटीन्स भी हो सकते हैं जो कि फोल्डिंग में हेल्प करेंगे जो कि डिफरेंट डिग्री ऑफ कंडेंसेशन के समय में फोल्डिंग और रैपिंग में हेल्प करते हैं दूसरा कोई डीएनए एन हो सकते हैं जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे उसके अलावा हेट्रोक्रोमेटिन प्रोटीन्स हो सकते हैं जो कि हेट्रोक्रोमेटिन प्रोटीन के कन्फर्मेशन में हेल्प करते हैं कि जो क्रोमोक्रोमेटीन्स हैं वो हाईली कंडेंस एरिया जो होगा दैट इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन और उसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन वन प्रोटीन वो भी वहाँ पर रहता है उसके अलावा बहुत सारे पॉलिकॉम प्रोटीन होते हैं एंड कॉमन नॉन दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नॉन हिस्ट्रोन्स प्रोटीन्स इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन प्रोटीन्स के हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे ओवरऑल लेकिन ये जान जाएंगे कि नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स क्या हैं द नॉन हिस्टोन्स क्रोमोजोमल प्रोटीन्स हैव स्ट्रक्चरल एंजाइमेटिक एंड रेगुलेटरी इन फंक्शंस जैसा कि हमने देखा कुछ एग्जाम्पल्स से ही हमने समझ लिया है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हेल्प करेगा रेप्लीकेशन में हेट्रोक्रोमेटीन जो है वो क्रोमोजोम्स के हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन जो डिफ्रेंशिएसन है रीजन्स uh, के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इसकेफल प्रोटीन उसके क्रोमोजोम्स के फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो इस तरीके से ये सभी प्रोटीन्स जो नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं ये सभी या तो स्ट्रक्चरल कन्फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे क्रोमेटीन्स uh, के या फिर एंजाइमेटिक रेगुलेशन में हेल्प करेंगे या कोई और फंक्शन अगर हो रहा है जैसे ट्रांसक्रिप्शन या फिर डी एन ए रेप्लिकेशन वो सभी को रेगुलेटरी प्रोटीन्स उसको जो रेगुलेट करने वाले प्रोटीन्स होते हैं वो सभी इसके संग में बाइंड अप होते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स और इसे हम लोग न्यूक्लियर एसिडिक प्रोटीन्स भी कहते हैं क्योंकि ये सभी जो अदर हिस्टोन्स के अलावा जो अदर प्रोटीन्स होता है दे आर एसिडिक इन नेचर देर आर फाइव क्लासेस ऑफ एन एस सी प्रोटीन्स एन एस सी स्टैंड्स फॉर नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स और इसमें कुछ अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ए वन प्रोटीन ए टू बी सी डी ये सभी कुछ एन एस सी प्रोटीन्स के यानी नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन शो वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ और नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन जो है स्पीशीज दर स्पीशीज जो है वो उसे वेरी हो सकते हैं वो क्योंकि जैसा उनमें रेगुलेटरी फंक्शन होगा उनके डी एन ए का या आर एन ए का ट्रांसक्रिप्शन का जिस टाइप का उनका जितना कॉम्प्लिकेटेड उनका स्ट्रक्चर होगा क्रोमोसोम का या जीनोम का स्ट्रक्चर होगा उतना ही आ, उस तरीके से जो नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं उनकी अवेबिलिटी या प्रेजेंस वेरी करेगी इस तरीके से हमने आज केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटीन के बारे में उसके स्पेशली हम हम लोगों ने फोकस किया है हिस्टोनस नॉन हिस्ट्रोन्स प्रोटीन्स के लिए और उसमें भी एलाबोरेट करके हिस्टोन्स प्रोटीन और उसके मॉडिफिकेशन को देखा और इनके फंक्शंस को भी देखा और इसका रोल क्या है उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक like और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए कुछ मेरे पढ़ाने के स्टाइल में या और भी अगर कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स में कमेंट सेक्शन में दें मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी तो हमारे साथ बने रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच मैंने अपने बहुत सारे जो प्लेलिस्ट है उसकी भी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के रखी है अगर आप उसके संग भी जाना चाहें और एक संग सारे वीडियोज़ को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं थैंक यू वेरी मच